फैजानी गरीब नवाज कमेटी और अशरफी फाउंडेशन बेलगाम की जानिब से अशरफी हॉल इमली मार्केट न्यू गांधीनगर में एक क्विज कंपटीशन रखा गया था, जिसमें कसीर तादाद में कई स्कूल के तलबाओं ने हिस्सा लिया। इस क्विज कंपटीशन में इस्लामी और दुनियावी जनरल नॉलेज को लेकर सवाल किए गए, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे मकाम हासिल करने वाले तलबाओं को सर्टिफिकेट और मोमेंटो से नवाजा गया। इस मौके पर सलीम अशरफी, अब्दुल कादिर अशरफी, बबलू अशरफी, दस्तगीर अशरफी, अब्दुल रहीम अशरफी, अरफान अशरफी, तवाफ अशरफी, नासिर अशरफी, सईद अहमद अशरफी और मोइन अशरफी के साथ कई लोग मौजूद थे। मैदान हशर में एक पानी पिलाया, कयामत का दिन होगा वहां पे पानी पिलाया, पानी का नाम कोशिश कर डिस्कस कर। सईद अहमद अशरफी और सलीम अशरफी वहीं पर दे रहे थे। जब फर्स्ट प्राइज का अनाउंस हो जाएगा दोनों कमेटियों के प्रेसिडेंट होते हो सामने आ रहे ठीक। फर्स्ट प्राइज का मोहम्मद लबीन पटेल और मानव निजामी को तालियां बजती रहे। हजरत जो है बहुत अच्छी बात समझा रहे थे कि अगर दीनी तालीम ना हो तो जो है रस्में और घर का माहौल बदल जाता है। माहौल अशरफी फाउंडेशन बेलगाम फैजानी गरीब नवाज कमेटी का जो प्रोग्राम है, जो आप यहाँ पे सेल प्राइज जो भी देख रहे हैं, इसी की इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत जो है वो दीनी तालीम या दीनी नॉलेज हासिल करने की। आज हमारे बच्चे या काफ़ी नौजवान से अगर हम सवाल करेंगे कि दीनी मालूमात में बॉलीवुड के जो है मशहूर चार हीरो फिल्म इंडस्ट्री के नाम बताएं, तो फौरन हमारे बच्चे 10 बता देंगे, 4 नहीं बताएंगे, 10 बताएंगे। ये हमारे बच्चों की गलती या हमारे बच्चों का शौक नहीं है। जिस दिन नबूवत का ऐलान हुआ उसी दिन कुछ लोगों ने बैठ के कसम खाई कि इस्लाम को जो है फना करना है, इस्लाम को हम बाकी नहीं रखेंगे इस सरजमीन पर। वो कौन थी? यहूदी। ये यहूद और नसारा जो है हमारे नस्लों के पीछे, हमारे पूरे इस्लाम और मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं ताकि हमारे लोग दीन से हटे, नबी की मोहब्बत से हट जाएं, नबी की तालीमात से हट जाएं। ये खुदों को क्या चल रहा है, तो उसी को मदद मद्देनजर रखते हुए ये हम लोग जो है मुहिम लेकर होते हैं कि दीन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ जो है कुछ मालूम दीनी बच्चों को दीन की भी हो जाए तो बेहतर होगा। अब जो प्रोग्राम का आगाज तो हो चुका है, 10 बजे कुरान मजीद की तिलावत हो चुकी थी। पेरेंट्स से खास तवज्जो चाहता हूँ, अगर स्कूल के जिम्मेदार कोई है तो उनसे भी खास तवज्जो चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम होगा उधर आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बेल्ट वाले बच्चे बैठे हैं, इस साइड बैठे हैं ऑरेंज बेल्ट के बच्चे। जो प्रोग्राम होगा मेन जो प्रोग्राम चलेगा ग्रेट बेल्ट के अंदर, क्योंकि काउंसलिंग हो चुकी है। अब मसला ये आता है कि जो बच्चे जवाब न दे पाए उनको पूरे प्रोग्राम से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि मसला खड़ा होता है लोगों को, बच्चों की दिल आजाई होती है कि हम पहले ही प्रोग्राम से निकल गए। तो कोई बच्चा प्रोग्राम से निकला नहीं है, सब कॉम्पिटिशन तीनों ग्रुप कॉम्पिटिशन करेंगे। मेन जो है ग्रीन बेल्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन बच्चों को दिया जाएगा, उसी तरह
स्कूल के मैनेजमेंट या प्रोफेसर या मौजूद है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीते, मतलब स्कूल वाले चाहेंगे हमारा बच्चा जीते, वाशिफा का स्कूल वाले चाहेंगे हमारा बच्चा जीते, इस्लामी स्कूल वाले चाहेंगे हमारा बच्चा जीते। अगर सबके बच्चे जीतेंगे तो हम प्राइस इसको देंगे, प्राइस का मतलब इधर नहीं होगा। यहाँ पे किसी बच्चे को छोटा या बड़ा दिखाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम बस क्वेश्चन करेंगे, जो ग्रुप ज्यादा जवाब देगा वो आगे बढ़ते चला जाएगा, जो ग्रुप जवाब कम देगा वो ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। फर्स्ट सेवन सेकेंड थर्ड कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो बच्चे ज्यादा जो ग्रुप ज्यादा जवाब देगा वो ऑटोमेटिक फर्स्ट आएगा। पेरेंट्स को मैनेजमेंट को स्कूल के टीचर को गुस्सा या कोई दिल में कोई ऐसी बात सोचना जरूरी है कि हमारा बच्चा कमजोर नहीं है, वो जो बच्चा ज्यादा मेहनत किया है जो बच्चा काफी में वही जीतेगा, ऐसा नहीं कि आगे वाले लोग जो है काफी नहीं होते, अगर वो काफी नहीं होते तो यहाँ मौजूद नहीं होते। हजारों बच्चों तक ये मैसेज गया था लेकिन जो बच्चे हिम्मत कर कर यहाँ पे मौजूद है वो बच्चे काबिल ही है, काबिल ही में जो बच्चे ज्यादा सलाहियत रखते हैं वही इनाम जीतेंगे। तो पेरेंट्स से मैनेजमेंट से प्रोफेसर से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज आप अपनी दिन असाइन ना करें, जो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा उसी को प्राइज मिलेगा, ज्यादा बात ना करते हुए जो प्रोग्राम का जो। इसी तरह से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।